मैं लैपटॉप लेने के बाद ये वीडियो बनाने के लिए रिसर्च करी है लैपटॉप के बारे में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। What are you doing here, mister? ये चोच क्या है? ये चोच क्या है? What is this चोच? ये तेरी नाक से छोटी है। हंसना था इस पे। So guys, hello again. If you remember Sarthak from that Camry video, we are again in Camry. आज मम्मी से बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिली है कि तुम दोनों ने अपना मास्क उतार के बात करी तो घर के अंदर भी मत आना। भाई अपनी खुद की मम्मी ने डिसोन कर देना है भाई। तो आज इसका फ़ोन आया, कहता भाई कॉफ़ी पीने चलते हैं। मैं बोला भाई तू पी लियो, मेरी तो मम्मी ने डिसोन करनी है अगर मैंने बाहर का कुछ भी खा पी लिया तो। तो बस ये कॉफ़ी ले रहा है एंड देन वी आर गोइंग आउट फॉर अ स्मॉल लिटिल ड्राइव। वुहू, ये पार्टी। अरे कहना क्या चाहते हो? मिलते हैं घर जाके। मेरे को इतने सारे कमेंट्स आए भाई, अपने लैपटॉप के बारे में बताओ। तो घर जाके लैपटॉप के बारे में बताते हैं, सारे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके तो चलो भाई लोग करते हैं अब मेरे लैपटॉप की बात। एक बार बस लैपटॉप ले लूँ रूम से। और हाँ, ये अमेजोन से आ जाए, इसकी भी आज अनबॉक्सिंग करता हूँ। एक बार बस रूम से लैपटॉप लेने दो, फिर करते हैं स्टार्ट। हाय। तो भैया लास्ट वीडियो में जिसमें मैं नेहरू प्लेस गया था अपना लैपटॉप लेने के लिए, उस वीडियो में कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट्स हैं इस लैपटॉप के बारे में। लोग इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में पूछे थे, प्राइस के बारे में पूछे थे। तो आज मैं वो सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगा। एंड पर्सनली आई एम नॉट इनटू दीस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड एवरीथिंग। मैंने अपने बड़े भैया से पूछ के लिया है। पर्सनली मेरे को इस चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। भैया ने जो लैपटॉप बोला वो मैंने उठा के ले लिया है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी पता है तुम्हें। तो चलो भाई लोग अब असली में शुरू करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। काफ़ी हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। केसेस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी मिलिट्री ग्रेड है। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग यहाँ पे अपनी आराम से चिन रेस्ट कर सकते हो जब तक गेम लोड हो रही है या वीडियो रेंडर हो रहा है। तो गाइस आते हैं इसके स्टाइल और इसके डिज़ाइन पर। पर्सनली मुझे इसका डिज़ाइन और स्टाइल काफ़ी अच्छा लगा। जैसे यहाँ पे ये स्क्रू जैसे चार डॉट्स बने हुए हैं, बीच में टफ गेमिंग का लोगो और यहाँ पे टफ गेमिंग लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी मेरे को देखने में अच्छा लगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कीबोर्ड। इसका कीबोर्ड एक फुल साइज कीबोर्ड है जो काफी गेमिंग लुक देता है। WASD कीज अलग कलर में मेंशन की हुई हैं, लेकिन इसकी एरो कीज थोड़ी छोटी लगी मेरे को, तो हो सकता है जिनके हाथ बड़े हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आए। इसकी कीज काफी स्मूथ हैं, लेकिन मेरे पास कोई और गेमिंग लैपटॉप है नहीं इसको कंपेयर करने के लिए, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट। और इसके कीबोर्ड में RGB लाइटिंग है, तो आप भोजपुरी गानों की काफी मस्त फील ले सकते हो। इसके स्पीकर काफी अच्छे लगे मुझे, कभी ऐसा फील नहीं होता कि आवाज कम है, बल्कि कभी कभार मेरे को आवाज कम करनी पड़ती है। और वो शायद इसलिए क्योंकि इसके स्पीकर नीचे की तरफ है, तो टेबल से आवाज थोड़ी बाउंस होकर आती है। इसका माउस पैड काफी स्मूथ है क्योंकि प्लास्टिक फिनिश है, बट पर्सनली मैं यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ब्लूटूथ वाला माउस यूज करता हूँ, क्योंकि एडिटिंग के लिए वही बेटर है। Asus ने पोर्ट्स की चॉइस भी काफी अच्छी करी है और सारे पोर्ट्स लेफ्ट साइड में ही हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम पावर पोर्ट, LAN, HDMI 2.0, दो USB 3.2 के पोर्ट, एक सी टाइप पोर्ट और एक ऑडियो जैक। और राइट साइड में एक ही पोर्ट है USB पोर्ट 2.0 जिसमें मैं अपना माउस के लिए ब्लूटूथ डाल के रखता हूँ। स्क्रीन बहुत कलर करेक्ट नहीं है, बट इसके व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं। अब जो मैंने सुना है वो ये है कि इसको मॉडिफाई करना भी काफी इजी है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा रैम और एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क की जगह है। अब करते हैं इसके अंदर की मेन माल की बात, जिसकी आप बहुत देर से वेट कर रहे हो और पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में भर दिया कि भैया इसकी स्पेसिफिकेशंस बताओ। इसकी स्पेसिफिकेशंस ये हैं कि जो ये वाला वेरियंट है मेरा 512GB SSD प्लस 1TB HDD वेरियंट है। इसमें 8GB रैम है विच इज अपग्रेडेबल टू 32GB एंड इसमें AMD Ryzen 5 प्रोसेसर है विद 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स, जिसका मुझे कोई मतलब नहीं पता। आई एम नॉट दैट पर्सन जिसपे आप टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ये लैपटॉप किसी के कहने पे लिया, मतलब उन्होंने बोला भाई ये ले, और मैंने आके बंद करके ले लिया। मैंने लैपटॉप लेने के बाद ये वीडियो बनाने के लिए
रिसर्च करिए लैपटॉप के बारे में। एंड जहाँ तक इसी ग्राफिक कार्ड की बात है, वो है GeForce NVIDIA GTX 1650 Ti with 8GB RAM. तो यस, दैट इज मोर और लेस एवरीथिंग अबाउट माई लैपटॉप। जो इसकी परफॉर्मेंस है वो मैं आपको आने वाले कुछ टाइम में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आई थिंक 1 week ही हुआ है इसको लिए हुए, और मैं गेमिंग नहीं करता हूँ, मैं एडिटिंग करता हूँ। तो मेरा मेन पर्पस ये लैपटॉप लेने का एडिटिंग है, सो दैट व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग तो मैं ऑन द गो एडिट करके वीडियो डाल दूँ, क्योंकि ये चैनल मैंने एज अ ट्रैवल चैनल ही स्टार्ट किया था, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रैवल वीडियोस आने वाले हैं। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जिसके बारे में मेरा लास्ट वीडियो का कमेंट बॉक्स भर चुका था। भैया थोड़ा सा इधर उधर ऊपर नीचे करके देख लेते तो मैं अपना आंसर खुद ही मिल जाता बिना मेरे रिप्लाई किए, और वो क्वेश्चन ये है कि भैया कितने का लिया, हाउ मच। देखो भाई, ये मैंने नहीं किया, ये खुद ही आया भाई, ऐसे कौन पूछता है हाउ मच। चलो जो भी है, आई बॉट दिस लैपटॉप फॉर 73,000। अबे चुप हो जा 2 मिनट। सो आई बॉट दिस लैपटॉप फॉर 73,000 फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, एसस का ऑफिशियल स्टोर है इन नेहरू प्लेस। तो आप जाके ये लैपटॉप देख सकते हो, उनसे इस लैपटॉप के बारे में बात कर सकते हो, थोड़ा बहुत बार्गेन करना पड़ेगा आपको, तो वो आपके ऊपर है, वो आप देख लेना। एंड नाउ लेट्स अनबॉक्स दैट अमेज़न वाला पैकेज। मुझे खुद नहीं पता क्या है, मैंने लॉकडाउन के टाइम पे 2-3 चीज़ें ऑर्डर की थी एंड वो अब डिलीवर हो रही है। तो भैया गेस करो पहले आप लोग क्या आया पैकेज में, फिर मैं दिखाता हूँ क्या आया। अच्छा, ये मेरे SJKM का हेड और चेस्ट माउंट मंगाया था, अभी मैं दिखाता हूँ। ओ भाई, ये क्या लंगूर बना दिया। मैं SJKM लगा के देख, ये लगाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, मेरे को पता नहीं इसमें कैसा आ रहा है, मैं एक बार देखता हूँ फिर आता हूँ बताता हूँ। तो अब तो भैया SJKM का हेड और चेस्ट माउंट आ चुका है, अब तो मैं अपना कैमरा छाती पे लेके जाऊंगा, छाती पे। तो एनीवेज, इस वीडियो में काफी रिसर्च लगी है मेरी, काफी मेहनत लगी है, समझ गए ना, तो मैंने काफी मेहनत लगी है। तो भाई हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ब्लूपर्स देख के जाना, बाय। और हाँ, नेहरू प्लेस में मेरे नाम का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब भाई मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये क्या है, पर दूर से देखता हूँ तो मेरे को लैम्बोर्गिनी की एसी लगती है। क्या है भाई।